अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर चांद पर कदम रखने का सपना देख रही है। नासा के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की खास देखरेख भारतीय मूल की सुभाषिनी अय्यर कर रही हैं। सुभाषिनी नासा के खास प्रोजेक्ट के रॉकेट कोर चरण की देखभाल कर रही हैं, जिसके तहत नासा चांद और उससे आगे के अंतरिक्ष की खोज करना चाहता है। कोयम्बटूर की रहने वाली सुभाषिनी का नासा के इस अभियान का हिस्सा होना भारत के लिए गर्व की बात है। सुभाषिनी बीते 2 सालों से स्पेस लॉन्च सिस्टम की सदस्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1992 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की पढ़ाई की। इस विषय में ग्रेजुएशन करने वाली वो अपने कॉलेज की पहली महिला थी। एक अखबार से बातचीत करते हुए सुभाषिनी ने कहा है कि इंसान को चंद्रमा पर कदम रखे हुए 50 साल हो गए हैं। हम इंसानों को दोबारा चांद और फिर मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि नासा के नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से करीब 125,000 मील दूर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। नासा अपने आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत चांद के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है। स्पेस एजेंसी की ओर से चांद को और ज्यादा समझने के लिए 2 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नासा ने इन मिशन का नाम आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 रखा हुआ है। आर्टेमिस 1 में क्रू शामिल नहीं होगा और ये SMS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद पर ले जाएगा। वहीं आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। साल 2024 में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत नासा की पहली महिला और दूसरे पुरुष को चांद पर उतारने की योजना है। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न के फाउंडर और CEO अगले महीने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बन सकते हैं। सोमवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बेजोस ने कहा कि वो अपने भाई और एक निलानी का विजेता 20 जुलाई के लॉन्च के दौरान ब्लू ओरिजिन के न्यू शेडर्स अंतरिक्ष यान में सवार होंगे। ये यात्रा टेक्सास से अंतरिक्ष के लिए एक संक्षिप्त यात्रा होगी। बता दें कि जेफ बेजोस अमेज़न के CEO का पद छोड़ने के 15 दिन बाद स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। वो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। ब्लू ओरिजिन उनकी स्पेस कंपनी का नाम है, जिसकी पहली मानव सहित स्पेस यात्रा का वो हिस्सा होंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।